Yasodhanandana Yasodhanarandana Yasodhanandana Yamuna Dhira Vanatari Yamuna Yamuna Dhira Vanatari Yamuna पाद परमहंस परिवजकाचार्य श्री श्रीमद अभितरणारविंद भक्ति विदान स्वयं प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की शिष्य गोनिताय की श्रीमद भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद दो अध्याय छः पुरुष सूक्त की पुष्टि श्लोक संख्या 17 स्वधिष्णयम् प्रतपना प्राणः बहि च प्रतपति असो एवं विराजम् प्रतपना तप्ति अंतः बहि पुमाना सौधिषण्यं प्रतपन प्राणो बहिर्सा प्रतपन्यसो एवं विर एवं एवं विराजम प्रतपन सुनसे अर्धो करियो एवं विराजम प्रतपन तप्ति अंत्या बहिर्पुमाना
एवं सधिषण्यं प्रतपन् प्राणो बहिषा प्रतपत्यसो एवं एवं विराजं प्रतिपंस्य तप्यन्त्य अन्तबहिर्पुमान स्वधिषण्यं प्रतपन् प्राणो बहिर्सः प्रतपत्यसो एवं विराजं प्रतपनस तप्यन्त्यन्त बहिर्पुमान स्वधिषण्यं प्रतपन् प्राणो बहिर्सा प्रतपन्त्यसो एवं विराजं प्रतपनस तप्यन्ततः बहिर्पुमान स्वधिषण्यं प्रतपन् प्राणो बहिषा प्रतपत्यस्यो एवं विराजं प्रतपन्स् तप्यन्त बहिर्पुमान् स्वधिषण्यं प्रतपन् प्राणो स्वधिषण्यम विकिरण प्रकाश प्रतपन विस्तार से प्राणः प्राण बहिः बाह्ये च भी प्रपति प्रकाशित करता है असो सूर्य एवं इस तरह से विराजम विराट रूप प्रतपन के विस्तार से तप्ति जीवन प्रदान करता है अंतः भीतर से बहिः बाहर से उमाना परम पुरुष अनुवाद और तात्पर्य शिला इसी भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से श्री भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। तात्पर्य यहाँ पर श्री भगवान के विराट रूप या उनके निर्विशेष रूप का स्पष्ट विवेचन हुआ है जो ब्रह्मज्योति कहलाता है और उनकी तुलना सूर्य के प्रकाश के वितरण से की गई है। सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है लेकिन इस प्रकाश का स्रोत सूर्य ग्रह या सूर्य नारायण देव है जो कि उनके स्रोत है उसके स्रोत है वही ऐसे प्रकाश के मूल आधार है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति या श्री भगवान के निर्विशेष रूप के आधार है इसकी पुष्टि भगवद्गीता 14.27 में की गई है। अतएव श्री भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष रूप की गौण कल्पना है किंतु श्री भगवान का मूल स्वरूप तो दो हाथों वाला अपनी शाश्वत बंसी बजाता श्याम सुंदर स्वरूप है। श्री भगवान के वितरित प्रकाश का 75% आध्यात्मिक आकाश त्रिपाद विभूति में व्यक्त होता है और शेष 25%
भौतिक ब्रह्मांडों के समग्र विस्तार का को आलोकित करता है। इसकी विवेचना तथा उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 10.42 में मिलते हैं। इस प्रकार श्री भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अतरंग शक्ति कहलाती है और शेष 25% बहिरंग शक्ति कहलाती है। सारे जीव जो आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी हैं वे उनकी तटस्थ शक्ति कहलाते हैं और उन्हें छूट मिलती है कि चाहे वे बहिरंग शक्ति में रहे या अतरंग शक्ति में। जो लोग श्री भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में रहते हैं वे मुक्तात्मा कहलाते हैं और जो बाह्य विस्तार में रहते हैं वे बदजीव कहलाते हैं। हम इन दोनों विस्तारों के निवासियों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं और आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि मुक्त आत्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया सक्षुरमीलितम येने तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशनाणी रे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। तो यहाँ पर विराट पुरुष का विषय चल रहा है। ब्रह्मा जी नारद जी को ये भौतिक जगत का मतलब विराट पुरुष का स्वरूप, उनकी भौतिक जगत की तुलना विराट रूप से की है और प्रभुपाद जी ने बोलते हैं यहाँ पर श्री भगवान के विराट रूप या उनके निर्विशेष रूप का स्पष्ट विवेचन हुआ है। तो जो भगवान का निर्विशेष तेज है ब्रह्म ज्योति, उसका परिवर्तित ये विराट रूप है, उसका परिवर्तित। तो प्रभुपाद जी की भगवद गीता में कॉमेंट्री में देखेंगे प्रभुपाद जी ज़्यादातर हर पेज के या सॉरी हर श्लोक के तात्पर्य में ये निर्विशेष शब्द आएगा। ज़्यादातर बहुत निर्विशेष शब्द लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ज़्यादा निर्विशेष का खंडन किया है, इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में बोलते निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतानी ने, जो निर्विशेष से ग्रस्त थे और जो शून्यवाद से ग्रस्त थे ऐसे लोगों का प्रभुपाद जी ने उद्धार किया, ऐसा हम उनके प्रणाम मंत्र में बोलते हैं। तो क्यों ऐसा है? तो ऐसा इसलिए है कि ज़्यादातर उपनिषदों में भगवान के ब्रह्म ज्योति के स्वरूप के ऊपर फोकस किया गया है ज़्यादातर उपनिषदों में। इस उपनिषद एक ऐसा है जिसमें भगवान के साकार रूप का वर्णन करते हैं उपनिषदों में ज़्यादातर, इसलिए पूरा भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व इस भगवान के निर्विशेष ब्रह्म से कॉन्सेप्ट में ज़्यादा आसक्त रहता है। और विशेष करके शंकराचार्य ने भगवान निराकार पक्ष के ऊपर ज़्यादा जोर दिया कि भगवान ऐसे ब्रह्म के रूप में है, इसलिए पूरा भारतवर्ष इस चेतना से ग्रसित है, पहले था और अभी है कि भगवान क्या है, अल्टीमेट निराकार है। इसलिए बोला, इसलिए बहुत सारे समाज में शब्द है ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म में विलीन होना, ब्रह्म में एकाकार होना, ये शब्द सामान्य बाजारों में सॉरी सामान्य लोगों में पाए जाते हैं, आध्यात्मिकवादियों में भी ऐसे शब्द, हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन में हो गए, हमारे गुरुजी ब्रह्म में एकाकार हो गए, हमारे गुरुजी ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। तो ये इसलिए शंकराचार्य के प्रचार के कारण और उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म का बहुत वर्णन किया गया है। अहमदाबाद के क्या नाम है प्रभु जी, क्या नाम है याद है अहमदाबाद से, नहीं गोविंद क्या आनंद, नहीं 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 यहाँ जॉब करते हैं, नाम भूल गया मैं उनका, राधिका गोविंद प्रभु। वो हमेशा ब्रह्मज्योति के बारे में पूछते रहते हैं, जब भी आते हैं ब्रह्मज्योति के बारे में पूछ रहे हैं। वो परमात्मा को बोला ठीक है समझ गया, आप ब्रह्मज्योति सर्वव्यापी, वो सर्वव्यापी कैसे है? मैं बोला आप इसके बारे में क्यों पूछते हैं? बोला मैं पहले उपनिषदों को बहुत पढ़ा है, उपनिषदों को बहुत पढ़ा है। भगवान सर्वव्यापी है लेकिन ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी कैसे है? तो उपनिषद के अंदर ये ब्रह्म के ऊपर जोर दिया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सब जते ऐसे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत खंडन किया है भगवद गीता के तात्पर्य में, और एक बार गुरु महाराज बता रहे थे कि ज़्यादातर प्रभुपाद जी ने ये भगवद गीता की टीका, ये टीका
निर्विशेष और शून्यवादी को काटने के लिए लिखी है। बहुत श्लोकों के अंदर प्रभुपाद जी ने ये निर्विशेष का खंडन किया है। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे लोग पूछे भक्त प्रभुपाद जी बहुत निर्विशेष शब्द, ये निर्विशेष निराकार, निर्विशेष निराकार, ये निर्विशेष क्या है? तो जन सामान्य के अंदर को ये कॉमन शब्द नहीं है। निर्विशेष मतलब ब्रह्म ज्योति भगवान की खंडन किया है। तो कठिन है इन निर्विशेष शब्दों को सुधारना, इतना आसान नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य ने और ये जो मायावादियों ने इनको बहुत भर दिया है लोगों के हृदय में। भगवान साकार है, उनकी कल्पना उनके मगज में बैठाना इतना आसान नहीं है। तो प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि यहां पर श्री भगवान के विराट रूप का मतलब, ये श्लोक पिछले श्लोक से जुड़ा हुआ है। पिछले श्लोक को सिद्धांत को यहां पर ब्रह्मा जी उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। पिछला जो श्लोक है उसके सिद्धांत को यहां उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जैसे सूर्य अपनी विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है, तो सूर्य का प्रकाश ऐसा नहीं है बाहर है, अंदर भी है। अंदर भी हमारा टेम्परेचर है ना, गर्मी है ना, अंदर ठंडा थोड़ा ही है, तो गर्मी का टेम्परेचर कहाँ से आता है? सूर्य के किरणों से आता है ना। बाहर सूर्य की किरणें और हम शरीर, हमारा शरीर ऑब्जर्वेशन करता है। कौन सा वो विटामिन कौन सा मिलता है? डी, विटामिन डी। तो वो अंदर उतरता है ना। आजकल बहुत सारी विटामिन डी की गोलियां खानी पड़ती हमको, क्यों? एसी में रहते हैं, सूर्य प्रकाश में निकलते नहीं है। पहले तो विटामिन डी फ्री में मिलता था क्योंकि खेत में काम करते थे, फुल प्रकाश मिलता था शरीर के ऊपर। हाँ, तो आजकल तो हम लोग पूरा अंदर ही रहते हैं बिल्डिंगों के अंदर, तो इसलिए ये सब बीमारियाँ होती हैं। बहुत सारी बीमारियाँ सूर्य प्रकाश ऐसे ही चली जाती है। तो सूर्य अपनी किरणों से बाह्य तथा आंतरिक रूप से प्रकाश विस्तारित कर, इसी तरह भगवान यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि समझ, इसी तरह भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि के प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। है? भगवान बाहर भी अंतर, बहिर्निसिंग हो हृदय निरसिंह हो उसको समझना कठिन है। अचिंत्य भेदा में बाहर भी भगवान है, अंदर भी भगवान है, अणु अणु भगवान है। तो भगवान बाह्य रूप से भी इनका भौतिक जगत विराट के रूप में प्रवेश करके पालन करते हैं और आंतरिक रूप से भी करते हैं। और रामायण पढ़ रहे थे उस दिन लिखा कि जो स्वर्ग बनाया विश्वामित्र ने तो बैलेंस नहीं हो रहा था, तो भगवान ने अंदर प्रवेश किया। अंडांतरस्त पयांतरस्तम, मतलब ये भौतिक जगत में जब तक भगवान प्रवेश नहीं करते तब तक ये मेंटेन नहीं होता है। भगवान के प्रवेश करने से ही मेंटेन होता है। भगवान उसको अपनी शक्ति से रखते, बोलो भगवान ने प्रवेश किया उसमें परमात्मा रूप में। अंडांतरस्त सर्म अनुपयांतरस्तम, तो भगवान प्रवेश करने के कारण ये पूरे ब्रह्मांड सब अपने अपने ग्रह है, वो अपनी अपनी जगह पे टिके, नहीं तो टिकेंगे नहीं। भगवान की उसके अंदर उपस्थिति के कारण टिकते हैं। तो आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं भगवान इस सृष्टि के प्रत्येक वस्तु का। यहां पर श्री भगवान के विराट रूप का या निर्विशेष रूप का स्पष्ट वर्णन हुआ है। मतलब ये ब्रह्म ज्योति का जो प्रागट्य है वो दूसरी भाषा में विराट रूप है। अल्टीमेट तो ये पूरी सृष्टि भौतिक, पूरा भौतिक जगत, पूरे भौतिक जगत ये तो ब्रह्म ज्योति के अंदर ही समाया हुआ है। पूरा भौतिक जगत ब्रह्म ज्योति के अंदर है इस वजह से। और आगे लिखते हैं, उसकी तुलना सूर्य के प्रकाश के वितरण से की गई है। सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन इस प्रकार का स्रोत या सूर्य ग्रह या सूर्य नारायण देव है, ये प्रकाश कहाँ से आता है? तो सिंपल लॉजिक है कि देखेंगे इस प्रकाश का, लाइट का प्रकाश आया उसका रूप है। सिंपल लॉजिक है, भगवान कैसे साकार है तो ऐसे ही सूर्य देव का रूप है, वो निराकार नहीं है। उसके प्रकाश का रूप, अरे निराकार हो सकता है लेकिन स्वयं सूर्य देव का रूप है। ऐसे ही प्रभुपाद जी ये साबित करना चाहते हैं कि सूर्य का स्रोत सूर्य देव है, ऐसे ही ये ब्रह्म ज्योति का स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। आगे गीता का श्लोक कोट करेंगे जो कि उनके स्रोत है। ऐसे ही वही ऐसे प्रकाश के मूल आधार, इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति या निर्विशेष रूप के आधार है। भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है। आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है, भौतिक जगत को अंधकारमय जगत है इसलिए उनको प्रकाशित करने की जरूरत है क्योंकि अंधकार से भरा हुआ है, इसमें अंधकार ही अंधकार है। आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो भगवान के शरीर से निकलता है। और वहां का टेम्परेचर कैसा है? वो प्रकाश का टेम्परेचर मन के अनुकूल, मन के अनुकूल मीन्स ये भौतिक जगत में हम लोग एसी में ज्यादा रहते हैं ना तो फिर प्रकाश जाने की इच्छा होती है, और प्रकाश में रहते हैं तो एसी में बैठने की इच्छा होती है। मन के अनुसार टेम्परेचर सेट नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में सभी मन के अनुसार टेम्परेचर रहता है, सभी का
मानसिक स्थिति के अनुसार, ऐसा उनका प्रकाश है। ऐसा नहीं कि वहाँ ज़्यादा गर्मी है तो अभी कूल करो और ज़्यादा ठंडी है तो अभी थोड़ा गर्म करो, ऐसा नहीं है। मानसिक स्थिति के अनुसार उसका टेम्परेचर रहता है उस प्रकाश का, इससे वो प्रकाशित है। कौन सा श्लोक भगवद गीता में 15वें अध्याय का? न तद भासते सूर्यो न ससा गोपावत यद गतवा निवर्त तद धाम परम। मेरे धाम में सूर्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। क्यों? बस सूर्य है फिर भी उसके प्रकाश की जरूरत नहीं है भगवान को, क्योंकि सूर्य ऐसा प्रकाश नहीं दे सकता भौतिक जगत में है कि जो आपको आपकी मानसिक स्थिति के अनुसार उसका टेम्परेचर मेंटेन हो। वो तो वो सामर्थ्य तो भगवान के अंदर है, ये ब्रह्म ज्योति है, वहाँ से वो प्रकाश निकलता है ऐसे। और प्रभुपाद जी भगवद्गीता का श्लोक कोट करते हैं, 14वें अध्याय का अंतिम श्लोक, ब्रह्मणो प्रतिष्ठा अहम्, ये ब्रह्म ज्योति का आधार मैं हूँ, ये सोर्स मेरे से निकलता है, भगवान से निकलता है ये प्रकाश। अतएव श्री भगवान विराट रूप, अतएव श्री भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष रूप की गौणना है, मतलब निर्विशेष जो ब्रह्म ज्योति है उसका प्रागट्य ये विराट रूप है। किंतु श्री भगवान का मूल स्वरूप तो दो हाथों वाला अपनी शाश्वत बंसी बजाता श्याम सुंदर स्वरूप है। श्री भगवान के वितरित प्रकाश का अब प्रभुपाद जी डिवाइड कर रहे हैं, प्रकाश के दो भाग है। 75% 75% प्रकाश से आध्यात्मिक जगत आच्छादित है, उसमें स्थित है, और 25% भौतिक जगत, उसकी तुलना में बहुत कम है, दो डिवाइड किया है वो भाग। त्रिपाद विभूति आगे आएगा श्लोक, दो श्लोक के बाद त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति आलोकित करता है। इसकी विवेचना का उल्लेख भगवद्गीता में हुआ है 10.42 में, अंतिम श्लोक है यही, एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश से मैं सर्वव्यापी होकर इस जगत को मैं धारण करता हूं, ऐसा भगवान कृष्ण समझाते हैं। इस तरह श्री भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अतरंगा शक्ति कहलाती है। वो 75% वाला जो विस्तार है अपनी ब्रह्म ज्योति के प्रकाश का, वो अतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है, और शेष 25% बहिरंगा शक्ति कहलाती है। सारे जीव आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी हैं, हम दोनों जगह के निवासी हैं, दोनों जगह निवास कर सकते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं पानी के बिना नहीं रह सकते, कुछ जीव ऐसे हैं जमीन के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन भगवान ने हमको बीच का बनाया है, बीच का इसलिए बनाया कि आपको मेरे साथ रहने के लिए तकलीफ हो तो दूसरा ऑप्शन है लेकिन भगवान ने दुखमय जगत बनाया है इसको कि आप यहाँ जाओगे, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो प्रेम होता है तो प्रेम तो स्वतंत्र रूप से होता है, जबरदस्ती नहीं होता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए भगवान कृष्ण से प्रेम करना है तो वो प्रेम सही नहीं है, अब कोई ऑप्शन नहीं है बस, तो वो भक्ति भी सही नहीं है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस्कॉन में जुड़ जाओ कोई ऑप्शन नहीं है, अब भौतिक दुनिया में सब फेल हो गए, ठीक है कोई बात नहीं है, आप आए तो भगवान की शरण में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंततः वाला कोई ऑप्शन नहीं मिला इसलिए भक्ति कर रहे हैं या इसलिए भगवान की शरण लेंगे, वो निम्न स्तर है भक्ति का। अंत स्तर है प्रेमांजन सुरीत भक्ति विलोचन है ना, प्रेममय स्तर का सबसे ऊपर कहा गया। तो हमारी स्थिति ऐसी है, प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें तटस्थ, वे उनकी तटस्थता, हम लोग दोनों जगह रह सकते हैं इसलिए तटस्थता है, बीच में रहने वाले हैं इसलिए ऐसे। और भगवान ने दोनों जगत का विवरण भी दिया शास्त्रों में कि आध्यात्मिक जगत में आपको ऐसा ऐसा आनंद मिलेगा और भौतिक जगत में आपको ऐसा ऐसा आनंद मिलेगा। आध्यात्मिक जगत में दुख तो मिलेगा ही नहीं, भौतिक जगत में उसके साथ दुख मिलेगा, ऑप्शन दिया है, अब हमारे हाथ में है। तो हम इतने सालों से शास्त्र पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक जगत के प्रति हमारा जो आकर्षण होना चाहिए जितने प्रमाण में नहीं हो रहा है। हम दोनों जगह, हमारी स्थिति ऐसी है, हमारी ऐसा हमारा टक्चर है या हमारी क्या कहते हैं वो मूल प्रकृति है कि हम दोनों जगह रह सकते हैं, और हमको पता है कि वास्तव में सुखी तो हम आध्यात्मिक जगत में ही होंगे, फिर भी हमारा आध्यात्मिक जगत के प्रति जितना आकर्षण होना चाहिए उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम करोड़ों सालों से इस जड़ पदार्थ के साथ में रह रहे, इस जड़ पदार्थ के साथ में रह रहकर हमारी जो बुद्धि है वो ये पूर्ण रूप से कन्विंस हो गई है कि यहीं तेरे को सुख मिलेगा, और प्रयास करो और प्रयास करो और प्रयास करो, और वो प्रयास हमारा
एक साल नहीं, एक जन्म में करोड़ों जन्म से चलता रहा है वो प्रयास सुखी होने का, फिर भी हमारी वो बुद्धि है वो जागृत नहीं हो रही है। वो हमको प्रयास करके कन्विंस करिए कि और प्रयास करो, और प्रयास करो, और प्रयास करो, एक जन्म और, एक जन्म और, एक जन्म और, एक जन्म, ऐसे हमने करोड़ों जन्म ले लिए। क्यों? क्योंकि कारणस्य गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, ये भौतिक प्रकृति के गुणों का संग करने के कारण हमारी बुद्धि कन्विंस हो गई है, ये जड़ पदार्थ के साथ रहने के लिए उसको आदत बन गई है। तो भगवद्गीता के तीसरे अध्याय में अंतिम श्लोकों में वो काम वासना के बारे में अर्जुन का प्रश्न है, उसमें भगवान कृष्ण उत्तर देते हुए समझाते हैं कि ये काम कहाँ पर शरीर में रहता है, और वहाँ पर पूरा विज्ञान समझाया है कि आत्मा बुद्धि को कैसे कन्विंस करती है और बुद्धि फिर मन को कैसे कन्विंस करता है इंद्रिय भोग करने के लिए, वो पूरा साइंस दिया हुआ है। तो जब मन बुद्धि और इंद्रिया तीनों मिल जाती है तो वो अपना फिर टीम बनाकर निर्णय करती है कि क्या करना है। तो हमारी बुद्धि जड़ जो डिसीजन मेकर है, मन तो इंद्रिय भोग करने का इच्छुक और इंद्रिया भौतिक, इसलिए उनको तो भौतिक विषय चाहिए, तो इंद्रिया भौतिक विषयों की इच्छा करता है, मन उसकी इच्छाओं पूर्ति करने के लिए बुद्धि को कन्विंस करता है, और बुद्धि जड़ होने के कारण बहुत ही जल्दी कन्विंस हो जाती है इंद्रिय भोग करने के लिए, ऐसा पूरा साइंस उसमें समझाया है। तो सारे जीव जो आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तार भौतिक विस्तारों के निवासी है, वे उनकी तटस्थ शक्ति के लिए उन्हें छूट मिलती है कि चाहे वे बहिरंग शक्ति में रहे या अंतरंग शक्ति में। भगवान हमको छूट दिया है, फ्रीडम दिया है। भगवान चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत में रहे, लेकिन फिर भी भगवान है चॉइस आपके हाथ में, ये दो विस्तार है। कुछ लोगों का कहना है, ऐसे डिस्कशन हो रहा है कि ये जीव है ये विरजा नदी के वहां उत्पन्न हुए और भगवान ने वहां चॉइस दिया कि आपको कहाँ जाना है, तो ज्यादातर लोग इधर नीचे आ गए। अब विरजा नदी में चॉइस कैसे होगा, गोलोक में चॉइस मिलना चाहिए ना, विरजा नदी में तो गोलोक का आनंद कहाँ है। लॉजिकली देखा जाए तर्क के रूप से तो गोलोक का सुख है, वो विरजा नदी में कैसे पता लगेगा कि वहां क्या सुख है। तो जीवों के पास एक ही ऑप्शन हो गया ना इसका मतलब, तो चॉइस तो आध्यात्मिक जगत में, निसंदेह भगवान के साथ थे। इच्छा द्वेष दंद मोहिने भारत, भौतिक भोग करने की इच्छा और भगवान से स्पर्धा करने के कारण हम भौतिक जगत में आए, ये प्रभुपाद जी ज्यादातर श्लोक कोट करते थे। तो हम दोनों जगह जाने में स्वतंत्र है, भगवान ने हमारा ऐसा स्थिति बनाया, हमारा मूल स्थिति, लेकिन स्वतंत्रता हम हमारे हाथ में, और हम इस स्वतंत्रता का दूर क्यों कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी भगवदगीता के श्लोक के तात्पर्य लिखते हैं 15वें अध्याय की, मम वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मन सृष्टानी नरियाणी प्रकृति स्थानी कर चति करस्तमी संघर्ष। हम भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं अपना मेंटेन करने के लिए। अभी सब लोग चिंतित है, सब लोग सोच रहे हैं कि दो चार महीना ऐसे ही लॉकडाउन शटडाउन रहा तो लोग लूटना शुरू कर देंगे, लूटपाट मच जाएगी। अब सब सोच रहे हैं कि हमारा मेंटेन कैसे होगा, संघर्ष कर रहे हैं मेंटेनेंस के लिए। तो क्यों ये संघर्ष करना पड़ रहा है, तो प्रभुपाद श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं क्योंकि हमने भगवान का साथ छोड़ दिया है और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। जब एक बच्चा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो वो दुख भुगतता है, जब बाप के मार्गदर्शन में रहता है तो वो सुख भुगतेगा। तो हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण इधर है, और इधर कृष्णा भावना में आने के बाद भी हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, पूर्ण रूप से हमारी स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं कर रहे। और वो दुरुपयोग कराता कौन है, हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारी इंद्रिया। वो हमको बाई फोर्स न चाहते हुए भी वो स्वतंत्रता का क्या कराते हैं, दुरुपयोग। बुद्धि जगत में सब जीव विवश है दुरुपयोग करने के लिए, पहले इच्छा किया और फिर भगवान ने ऐसे परिस्थिति डाल दिया। एक बार चकदौड़ होता है ना, वो चकदौड़ में एक बार बैठ जाएंगे ना, जब तक उसका चक्कर पूरा नहीं होगा तब तक तो बैठा ही रहना पड़ेगा। तो जब तक शरीर धारण किया है तो ऐसी परिस्थिति हमारी ऐसे। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि व्यक्ति न चाहते हुए भी पापकर्म क्यों करता है। कई बार हम नहीं चाहते हैं कि पापकर्म करें, लेकिन फोर्स आता है अंदर वो पापकर्म करने के लिए। तो भगवान का काम ऐस क्रोधेश रजुगुण समुद्भव, वो इच्छाएं जो आध्यात्मिक जगत की मूल इच्छाएं हैं भोगने की, वो इच्छाएं हमारी मन बुद्धि और इंद्रियों पर दबाव डालती है
और हम उससे विवश हो जाते हैं और हमारी स्वतंत्रता का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो जब हम हमारी स्वतंत्रता का सदुपयोग करना शुरू कर देंगे तब हमको ये संघर्ष करना, हमारा संघर्ष बंद हो जाएगा। तब तक हमारा संघर्ष बंद नहीं होगा। ये संघर्ष इसलिए कर रहे हैं, हमारा संघर्ष इसलिए हो रहा है भौतिक जगत में अपना अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए। आध्यात्मिक जगत में अपने अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, वहाँ सब कुछ कृष्ण प्रोवाइड करते हैं। यहाँ भी कृष्ण प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं, अल्टीमेट तो भगवान कृष्ण सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ दे रहे हैं संघर्ष करने के बाद। और वहाँ पर हम भगवान कृष्ण की प्रेम में सेवा में लगे रहेंगे तो भगवान अपने आप सबको स्वतः मेंटेन करेंगे, स्वतः, वहाँ संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण की सेवा के सिवाय वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कार्य नहीं कृष्ण की सेवा के सिवाय। और जब हम कृष्ण की सेवा में लगेंगे तो आराम से हमारा मेंटेन होगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था कि आपका मेंटेन कैसे होता है, प्रभुपाद जी बोले हम हरे कृष्ण करते हैं और कृष्ण भेजते हैं कृष्ण सब कुछ भेजते हैं, हम और कुछ नहीं, हरे कृष्ण करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं। बात तो मैं सही है, अगर हम कृष्ण का गुणगान करेंगे और कृष्ण के शरण में रहेंगे, कृष्ण के आशीष रहेंगे और पूर्ण रूप से इनकी सेवा मग्न रहेंगे और हमारा स्वतंत्रता का सदुपयोग करेंगे, स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहा है, वो कौन सा श्लोक है, योगक्षम वाहम्यहम्। भगवान सभी जीवों के, भौतिक जगत हो आध्यात्मिक जगत हो, दोनों जीवों का पालन पोषण तो भगवान ही करते हैं, लेकिन जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण पे आश्रित हो जाते हैं और उनकी सेवा में लग जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से भगवान हमारा मेंटेन करते हैं, लेकिन भौतिक जगत में थोड़ा संघर्ष करने के बाद करते हैं। तो ये संघर्ष हमारा, इस संघर्ष का निपटना है तो हमारी जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को दुरुपयोग की जगह सदुपयोग करना पड़ेगा। बहिरंग शक्ति में अथवा अतरंग शक्ति में जो भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में रहते हैं वे मुक्त आत्मा कहलाते हैं। प्रभुपाद जी अब जीवों की श्रेणी को बोलते हैं मुक्त आत्मा, चर और अचर। 15वें अध्याय में भगवान ने बताया दो प्रकार के जीव है, चर और अचर। अचर मीन्स जो आध्यात्मिक जगत में रहते, वो चर मीन्स, सॉरी चर मीन्स आध्यात्मिक जगत में रो, च्युत और अच्युत। अच्युत का मतलब जिनका कभी पतन नहीं होता है, और च्युत का मतलब पतनशील, हम सब पतनशील है, हमारा पतन हुआ है भौतिक जगत में और अभी भी हम पतनशील ही है क्योंकि भौतिक जगत में रह रहे हैं। तो बद्ध जीव उनकी श्रेणी दी है। आध्यात्मिक जगत में जो रहने वाले जीव है उनको अच्युत कहा जाता है, मुक्त आत्मा है। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं इन दोनों से परे हूं, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखो जीव मुक्त हो जाता है फिर भी वो भगवान के समान नहीं होता है, उनकी स्थिति भगवान के समान नहीं होती, वो जीव तो जीव ही रहता है, वो प्रभुपाद जी समझाया। तो दो प्रकार के जीव है, श्री भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की जो परिधि में रहते हैं मतलब आध्यात्मिक जगत में मुक्तात्मा कहलाते हैं, और जो बाह्य विस्तार में रहते बद्ध जीव कहलाते हैं। हम इन दोनों विस्तारों के निवासियों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं प्रभुपाद जी के, और आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुक्त आत्माओं की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। अनगिनत जीव है भगवान की सृष्टि में, अनगिनत जीव आध्यात्मिक जगत के अंदर, तो उसकी तुलना में ये भौतिक जगत है ये बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। एक पाद विभूति, त्रिपाद विभूति, यहाँ से तीन गुना आध्यात्मिक जगत में जीव है और सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और सुखी है। तो इस श्लोक का एसेंस ये है कि अल्टीमेट इस भौतिक जगत का जो पालन पोषण है वो भगवान करते हैं, तो हमको ये भी याद रखना चाहिए, एक एसेंस। दूसरा, प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य समझाया, प्रभुपाद जी ने समझाया कि हम आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं, भौतिक जगत में रह सकते हैं, हमारी स्थिति बीच की है, तटस्थ शक्ति होने के कारण। तो जो लोग भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, सिविल डिपार्टमेंट, क्राइम डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट है सरकार के, जो सिविल डिपार्टमेंट का पालन नहीं करता है स्वाभाविक रूप से वो क्राइम डिपार्टमेंट में ऑटोमेटिक चला जाता है, उसको वहाँ भेज दिया जाता है। तो सरकार वहाँ भी उनको खाना वाना देती है, ऐसे नहीं है वहाँ भूखे मारती है, जेल में भी खाना वाना खिलाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, ऐसे बिल्कुल एकदम हल्का फुल्का नहीं खिलाते हैं। सरकार के भी नियम है कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, वहाँ भी कुछ स्टैंडर्ड है, लेकिन वहाँ बंधन है, वहाँ संघर्ष है। हम बंधन में रहना नहीं चाहते, हम स्वतंत्रता में रहना चाहते हैं बस। और बहुत ज़्यादा गुनाह किया है तो थोड़ी पिटाई विटाई होती है सुबह शाम ऐसे। तो
तो बोधि जगत के जो पाप करता है उसको ज्यादा दुख भोगना पड़ता है, पुण्यशाली को थोड़ा दुख तो उनको ही भोग, बोधि जगत में पुण्यशाली है उसको भी दुख भोगना पड़ता है लेकिन थोड़ा कम। प्रभुपाद जी बोला वो तीन प्रकार की हथकड़ी, सोने की, चांदी की, लोहे की। हथकड़ी तो हथकड़ी है, बंधन तो बंधन है, बोधि जगत ऐसे ही बंधन है हमारा एक्चुअली ऐसे, और हम इस बंधन से बाहर निकलना चाहते हैं। इस बोधि जगत में हम किसी भी प्रकार का व्यक्ति बंधन में नहीं रहना चाहता है। तो प्रभुपाद जी ने एक श्लोक के तार में लिखा, पूर्ण स्वतंत्रता तो आध्यात्मिक जगत में। इसका मतलब आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है कि बस मैं पूर्ण स्वतंत्र, मुझे कोई कोलहला नहीं है। प्रभुपाद जी एक भागवतम के श्लोक के तात्पर्य में लिखा कि जीव जो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है वो तो उसको आध्यात्मिक जगत में मिलेगी, मतलब वो अपनी इच्छाओं के अनुसार भगवान की सेवा कर सकता है। वहां पर पूर्ण स्वतंत्र भगवान की सेवा करने के लिए बोधि जगत में कई बार हमारी इच्छा होती है, शरीर साथ नहीं देता है, परिस्थितियां साथ नहीं देती है, बंधन में होते। ये बंधन है शरीर, शरीर भी एक बंधन है, इनमें फंसे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी का कहने का ये है कि हमारी जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हम इस भौतिक जगत में है, जब हम इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना शुरू करेंगे और स्वाभाविक रूप से भगवान से स्वाभाविक प्रेम करेंगे, प्रेमांजन सूरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदय सुविलोक्यंती यम श्याम चंद्र अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तमाम बजामी, तो वो प्रेममयी सेवा में भगवान की लग जाएंगे वापस, और भगवान ने जो हमको स्वतंत्र दिया है उसका सदुपयोग करना शुरू कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से हम आध्यात्मिक जगत में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जैसे ही कोई कैदी है और देखता है जेलर कि अब सुधर गया है और इसके अंदर वो गुण आ गए हैं, समाज में रहने के वाले, समाज में रहने के लिए जो गुण चाहिए उनको, वो गुण उसने प्राप्त कर लिए, तब वो छोड़ देता है भले ही उसकी सजा पूरी ना हुई हो। कई बार ऐसा बताया जेल उसको जल्दी छोड़ देता है, देखता है कि इसके अंदर ये गुण है कि वो वहाँ रह सकता है। ऐसे कल भगवान रामचंद्र के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे थे तो भगवान रामचंद्र ये प्रजा को बता रहे थे, वो गुणों का प्रदर्शन करने का भगवान को ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं कितना मानूं मेरे अंदर ये गुण है। भगवान ये संदेशा देना चाहते हैं कि अगर आप आध्यात्मिक जगत में आना चाहते हैं, मेरे साथ रहना चाहते हैं और चिन्मय आनंद का रस लेना चाहते हैं तो आपको भी ये गुण आपके अंदर विकसित करने होंगे। भगवान जो भी लीलाएं करते हैं वो आचरण करके कराने का उद्देश्य है कि वो सब हम करें ताकि हम आध्यात्मिक जगत में जाके हम भगवान के साथ सेवा कर सकते हैं। भगवान राम बताना चाहते हैं कि मेरी सेवा करना है, मेरे साथ रहना है, सुखी होना है तो आपको भी ये सब गुणों का विकास करना होगा। अभी भौतिक जगत में इंद्रिय भोग करने के कारण ये जो गुण है हमारे अंदर जीवात्मा के जो दिव्य गुण वो सब दब गए, आवर्त हो गए। जैसे ही हम भक्ति में सेवा को स्वीकार करेंगे और भक्ति में लगेंगे भगवान की सेवा में, धीरे धीरे वो गुण फिर से वापस प्रकट होंगे, और जब पूर्ण रूप से वो जो गुण हमारे अंदर विकसित हो जाएंगे तब हमारा ट्रांसफर होगा आध्यात्मिक जगत के अंदर। क्योंकि हर जगह रहने के लिए, कार्य करने के लिए उसकी परिस्थिति के अनुसार आपको गुण चाहिए। अगर आपको पार्लियामेंट में काम करता है तो करना है तो उसके अनुसार गुण चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एक प्रकार का ज्ञान, एक प्रकार का गुण चाहिए। अगर आपको शूद्र का काम करना है तो एक प्रकार का गुण चाहिए। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में रहना है तो वहाँ के अनुरूप जो भगवान ने नियम बनाए हैं, भगवान ने नियम बनाए कि इस प्रकार के गुण वाले ही लोग यहाँ रह सकते हैं तो वही लोग रहेंगे, दूसरे नहीं रह सकते वहाँ। तो भगवान राम ने आचरण करके बताया कि इन सब गुणों का विकास जीवों को करना चाहिए ताकि वो मेरी पूर्ण रूप से प्रेममयी सेवा कर सके। तो ये जब गुणों का हम लोग संवर्धन करेंगे, विकास करेंगे गुणों का, तभी हम इस भौतिक जगत से निकल सर आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। ये इसलिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य में कहने का मतलब है। हरे कृष्ण। बहुत समय से विराट रूप चल रहा है विराट रूप के बारे में कोई बहुत क्या बोले कंटेंट नहीं है कंटेंट नहीं, आध्यात्मिक जगत का कंटेंट बहुत ज्यादा है, विराट रूप का कंटेंट कम है। हाँ प्रश्न उत्तर कर लेते थोड़ा। हाँ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, अंग्रेजी में हिंदी में कैसे लिखा? हाँ यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है कि सो द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज द सेकेंडरी इमेजिनेशन ऑफ द इंपर्सनल, सेकेंडरी मींस में उसका मैनिफेस्ट, उसको प्रागटीकरण, प्रागटीकरण में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ वो ब्रह्म ज्योति से आया है ना प्रभुपाद जी, यहाँ पे वही प्रागटीकरण। हाँ मतलब सेकेंडरी इमेजिनेशन का दूसरा प्रागटीकरण। हाँ दूसरा मैंने मतलब उससे आया ऐसे। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो इंपर्सनल फॉर्म मतलब भगवान का जो
नहीं, वो शक्ति शक्ति के रूप में व्याप्त का है ना, विराट रूप तो पूरा व्याप्त है। मेरा प्रश्न ये है कि वो जो सेकेंडरी इमेजिनेशन बोला था, प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है? प्राइमरी इमेजिन अब इंग्लिश में विराट रूप जो है, ये जो ये विराट रूप है वो यहाँ पर श्री भगवान के विराट रूप का या सब लिखा प्रूफ मीन्स ट्रांसलेट हिंदी मीन्स ओरिजिनल तो इंग्लिश में पता लगेगा, या उनके निर्विशेष रूप का स्पष्ट विवेचन हुआ है। मतलब जो निराकार और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है, हाँ, उसका दूसरा प्राकटीकरण है वो, दूसरा मीन्स वो कहने का ऐसा सेंस है कि वो उसमें से प्रकट हुआ है। लेकिन इस सेंस में प्राथमिक प्राकटीकरण क्या है? प्राथमिक इमेजिनेशन नहीं, वो सेकेंडरी, वो सेकेंडरी इमेजिनेशन मतलब उसका उसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई प्राइमरी इमेजिनेशन भी है। हाँ, सेकेंडरी का अर्थ है प्रूफ उनका, हाँ प्राइमरी इमेजिनेशन साकार रूप थोड़ा ही है, भगवान ब्रह्म ज्योति से थोड़ा ही आया है। लेकिन वो ब्रह्म ज्योति से नहीं आया है, यस इस सेंस में कह रहे हैं। दूसरा भगवान का एक साकार रूप अपना दिव्य, दूसरा रूप ब्रह्म ज्योति और उसका प्राकटीकरण, हाँ बराबर है। अब मैच हो गया। आगे में संघर्ष थोड़ी भौतिक जगत में, हम जैसे जैसे भौतिक जगत में अस्तित्व टिकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसा तो संघर्ष आध्यात्मिक जगत में नहीं है। करचती शब्द मीन्स प्रभुपाद जी ने लिखा बोधि जगत के प्रति, वो ना वहां पर संघर्ष नहीं है। क्या संघर्ष है वहां? जैसे वहां पे तृणावर्त जब आता है, हाँ तृणावर्त वहां नहीं आता है, आने का एहसास होता है और वो लोग डरते हैं। कुछ को पता है कि वहां पे ऐसी लीलाएं होती है कि वो डरते हैं और लगता है कि वहां पे, लेकिन भौतिक जगत से भौतिक जगत में जीव अपना अस्तित्व टिकाने के लिए संघर्ष कर रहा है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। अब दूसरा कैसा संघर्ष हो सकता है, ऐसा शास्त्र में मन नहीं। हाँ वहां तो प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचन है ना, नहीं वो तो प्रेम के अंदर आता है ना वो एग्जाइटी तो, हाँ यहाँ पर अस्तित्व टिकाने के लिए संघर्ष है। यहीं पर भरूच में पास बैठे हैं, संघर्ष छोड़ के आगे जो बाद में इसको मानने के बाद पता चला गया तो और संघर्ष।
हाँ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब जब हम भगवान को छोड़ देते हैं तो संघर्ष, मतलब अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, भगवान की सेवा करने के लिए तो संघर्ष आता है, वो तो प्रेम के अंदर परिवर्तित हो जाता है। हम जैसे प्रभुपाद जी एक बार कहीं लिखते हैं कि जैसे माँ है वो बच्चे को लालन पालन करती है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो प्रेम के अंदर वो आसानी से कर लेती है, उसको वो संघर्ष लगता नहीं है, वो संघर्ष लगता नहीं है उसको, हाँ बर्डन नहीं लगता है वो। हम उसको हम एक दृष्टिकोण से संघर्ष में ले नहीं सकते, क्योंकि क्या भगवान की प्रेममयी सेवा में है वो। प्रभुपाद जी का एक उदाहरण है, प्रभुपाद जी एक बार ऐसे बहुत चिंतित होकर बैठे थे, शायद तमाल कृष्ण महाराज थे, किसने पूछा प्रभुपाद जी की, भक्त ने पूछा प्रभुपाद यू आर एग्जाइटी, प्रभुपाद जी प्रेम के अंदर हूँ, कृष्ण की सेवा के लिए सोच रहा हूँ ऐसे, मतलब वो जो बर्डन नहीं लिया उन्होंने प्रभुपाद जी ने, वो भगवान का कुछ टेंशन था सेवा का रिलेटेड, तो ये बोला नहीं मैं कृष्ण के प्रेम में मग्न हूँ। तो एक भक्त होता है तो ऐसे वो बर्डन के रूप में नहीं लेता है, लेकिन भौतिक जगत में जीव बर्डन के रूप में लेता है, अपना अस्तित्व संघर्ष करने के लिए उसको बहुत बर्डन लगता है, कोई नौकरी नहीं करना चाहता, कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई कमाना नहीं चाहता, लेकिन बाय फोर्स कोई और ऑप्शन नहीं है इसलिए उनको करना पड़ता है, तो वो संघर्ष है उसको बस। और संघर्ष में खाली कमा मेंटेन करने नहीं, जन्म मृत्यु जरावादि वो भी संघर्ष है, हम अपने शरीर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और न मरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मीन्स बहुत प्रकार का संघर्ष है ऐसे, वो खाली शरीर का पोषण करने के लिए नहीं, जन्म मृत्यु जरावादि ये चारों से बचने के लिए भी संघर्ष कर रहा है, तो वो तो संघर्ष आध्यात्मिक जगत में थोड़ा ही है। हाँ बहुत संघर्ष सिखाने में और थोड़ा संघर्ष होता है तो हम थक जाते हैं, हाँ, और फिर ज़्यादा संघर्ष करना नहीं चाहते, नहीं जाते और प्रचार करने जाएंगे तो और भौतिक जगत के लोगों के साथ और महामारी करनी पड़ेगी और लोगों को, हाँ, तो फिर हमारा जीवन जो है हम थोड़ा आध्यात्मिक रूप बना देते हैं इस प्रकार से, हाँ, कि अभी क्यों संघर्ष करें, थोड़ा मंदिर बन गया अभी हम आराम से जीवन जीते हैं, मायावाद का प्रभाव और मायावादी का प्रभाव शुरू हो गया हमारे ऊपर, तो नहीं होना चाहिए। तो मतलब हमारी कृष्ण के प्रति आसक्ति या भक्ति में कुछ कमी है, क्योंकि अगर हम कृष्ण के लिए आसक्ति और भक्ति है, जैसे कुंती महारानी के कष्ट आने दो, तो वो एक भक्त सोचता है कि भगवान की इच्छा है मैं प्रचार करूं, जो भी कष्ट आएंगे मैं झिलूंगा, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि हमारी भक्ति में कमी है, समर्पण में कमी है, इसके कारण हम लोग ऐसा प्लान बनाते हैं कि यार बहुत झंझट है छोड़ो, अब कौन पिचिंग करेंगे ऐसे, पत्रोपदेश के साथ है, नहीं कर सकते हैं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है प्रचार करना, लोगों को शिक्षण देकर कृष्ण भक्ति में और भगवान की सेवा लगाना बहुत कठिन है, अच्छे अच्छे लोग थक कर रख देते हैं उसको, अच्छे अच्छे लोग सिंसियर लोग छोड़ देते हैं, बोला ठीक है भजन करेंगे, बहुत सारे लोग बाबा जी हो जाते हैं ऐसे वृंदावन जाकर छोड़ देते हैं संघर्ष, आसान नहीं है लॉन्ग टर्म पिचिंग मीन्स आजीवन पिचिंग करना और ऐसे लोगों को सुधार कर कृष्ण की सेवा में लगाना बहुत बड़ी चैलेंज है, ऐसा नहीं, लेकिन करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, अगर हम कृष्ण भक्ति में स्थित है, हमारा दृष्टिकोण फिलोसॉफिकल सब सही है, तो हम उसको बोझा नहीं समझेंगे, हम समझेंगे कृष्ण की एक सेवा है, महत्वपूर्ण सेवा, जीवों को भगवान की सेवा में लगाना महत्वपूर्ण सेवा है। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की, शिष्य गोनिताय की, शिला प्रभुपाद की।